हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रोज दिन आप सबके लिए वीडियो लेकर आता हूं, रेलवे ग्रुप डी 2019 में कितने फॉर्म भरे गए कौन से जोन में। तो आज मैं लेकर आया हूं फिर से 7 अप्रैल का वीडियो, 7 अप्रैल तक का कितने फॉर्म भरे गए। तभी तक टोटल 73 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैं यहाँ बताऊँगा कौन सा सिर्फ जोन है, कहाँ कम कंपटीशन है। मैं ऐसे कुछ भी हावे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो भी डाटा बताऊँगा वो सारे के सारे डाटा मैं खुद से रजिस्ट्रेशन किया हूँ और उसका स्क्रीनशॉट भी लगा हूँ मैं वीडियो में। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा सही जानकारी के लिए। बाकी यूट्यूबर जो है फेक जानकारी देते हैं, उससे आप बच के रहें। मैं कुछ भी फेक डाटा नहीं डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पहला है सेंट्रल जोन का, तो सेंट्रल रेलवे का है ये। यहाँ पे हमारा सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ देखिए कि जैसे कि 111 ये जो है वहाँ का कोड है। अब यहाँ 5,38,337 फॉर्म टोटल भरे गए हैं आज 7 अप्रैल 2019 तक। अब अगला देखते हैं कि कौन सा जोन है। नेक्स्ट हमारा है ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे भुवनेश्वर का। यहाँ पे जहाँ की 113 उस जोन का कोड है और यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,08,896। और ये सब डाटा से ही मैं एक टेबल बनाया हूँ जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं सारे का सारे आप सबको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि बस मैं 2 स्क्रीनशॉट दिखा दिया उसके बाद फिर टेबल से बता दिया, बट ऐसा है नहीं। मैं यहाँ बताऊँगा कि सेफ जोन कौन सा है, कौन सा डेंजर जोन है, लेकिन इससे पहले मैं सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये हमारा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए हैं 1,75,424। नेक्स्ट हमारा है वेस्टर्न रेलवे यानी कि मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का। तो यहाँ पे टोटल देख पा रहे हैं आपकी 4,99,925 फॉर्म भरे जा चुके हैं, जहाँ की 126 वहाँ का उस जोन का कोड है। वैसे ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट आप लगा के रखा हूँ मैं आप सबके लिए, लेकिन एक बार यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ आप के लिए, एक बार मैं टेबल पे भी एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम जाएगी आपकी। उससे अच्छा मैं ये स्क्रीनशॉट से जो डाटा लेके टेबल बनाया हूँ उसी को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लग रहा है कि मैं सही जानकारी दे रहा हूँ आप सबको, कुछ भी फेक नहीं बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। जो कि अभी ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उन्हें कन्फ्यूजन है कि कौन से जोन से भरें, कहाँ कम कट ऑफ जाएगा, कहाँ लोग कम भरे हैं, तो इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलने वाली है। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर ठोक दें हमारे वीडियो को। तो चलिए टेबल को देखते हैं, वहीं से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजर जोन में आएगा और कितना कौन सा जोन में कंपटीशन है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा सेंट्रल रेलवे मुंबई का। वहाँ जैसे कि आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि वहाँ इससे, ये एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल जो रेलवे है यहाँ पे देख लो आप सब, ये सेंट्रल में ये 5,38,337 है ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि पता चलता है कितने कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए और फॉर्म भरे। तो वही मैं यहाँ डाटा टेबल में लिखा हूँ सेंट्रल रेलवे मुंबई का 5,38,337। वैसे ही सारे नीचे का जितने भी आप स्क्रीनशॉट देखे उसी का डाटा मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो चलिए, जैसे कि आप बता चुका हूँ कि यहाँ पे टोटल फॉर्म 5,38,337 फॉर्म भरे गए हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 9,345 और कंपटीशन है पर सीट 57 सीट का। तो ये सेफ जोन में आता है। जो कि जो ग्रीन है वो सेफ जोन में है, जो रेड है वो डेंजर जोन है और जो ब्लू है वो नॉर्मल है, मतलब सेफ से थोड़ा ऊपर और डेंजर से थोड़ा नीचे, ये बीच वाला है। अब ये दूसरा हमारा NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का, जहाँ के टोटल फॉर्म 5,63,248 फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ टोटल वैकेंसी है 4,730। तो यहाँ पे कंपटीशन कितना हो गया उस हिसाब से, यहाँ 119 हो गया कंपटीशन एक सीट पे, मतलब एक सीट पे 119 लोग आज फाइट कर रहे हैं आज 7 अप्रैल 2019 तक। निकालते कैसे हैं पर सीट कंपटीशन, आप सिंपल सा ये जो है हमारा टोटल फॉर्म वो टोटल वैकेंसी से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा हमारा
वही हमारा परसिट कंपटीशन होता है। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का, वहाँ 5,95,200 फॉर्म 205 फॉर्म भरे जा चुके हैं हमारे जयपुर से। यहाँ तो टोटल वैकेंसी है 5,249 और परसिट कंपटीशन है यहाँ 113। ये भी हमारा ग्रीन, सॉरी ये हमारा रेड जोन में आ रहा, नहीं कि डेंजर जोन। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है हमारा सेंट्रल रेलवे चेन्नई, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए 6,05,781, टोटल वैकेंसी 9,579। यहाँ पर सीट कंपटीशन है 63 लोगों का, यानी कि ये ग्रीन जोन में आ रहा है, ये सेफ जोन हो गया हमारे लिए। वैसे हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,08,479, यहाँ पर सीट कंपटीशन है 84 लोगों का, तो ये नॉर्मल जोन में आता है हमारा, ना डेंजर जोन है ना सेफ जोन है, तो यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं आज तक 3,89,781, सॉरी यहाँ मैंने 89 बोल दिया, ये हमारा होगा 79 और एक और कहीं पे 79 था, सॉरी ये भी 79, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद भी हमारा ग्रीन जोन में आता है, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 6,18,746 और टोटल वैकेंसी है 9,328, तो पर सीट उस हिसाब से कंपटीशन हो गया 59 लोगों का, यानी कि एक सीट पे 59 लोग फाइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हुबली, वहाँ साउथ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,51,213, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 7,167, यहाँ पर सीट कंपटीशन है 66 लोगों का, ये भी नॉर्मल जोन है। नेक्स्ट है हमारा भुवनेश्वर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,08,896, यहाँ टोटल वैकेंसी है 2,555, पर सीट कंपटीशन यहाँ 82, ये भी नॉर्मल जोन में आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,14,015, टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,14,015, यहाँ टोटल वैकेंसी हमारा 2,894, ये भी हमारा नॉर्मल जोन में आता है, यहाँ पर सीट कंपटीशन है 74 लोगों का। नेक्स्ट है हमारा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं अभी तक 1,75,424 और यहाँ टोटल वैकेंसी है हमारा 1,664, पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे हमारा 105 लोगों का, ये हमारा डेंजर जोन में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,35,937, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 4,019, पर सीट कंपटीशन है 83 लोगों का। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये ग्रीन जोन में आ रहा है, यानी कि ये सेफ जोन है, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 6,36,021, यहाँ टोटल वैकेंसी है 10,873, पर सीट कंपटीशन 58 लोगों का है, यानी एक सीट पे 58 लोग फाइट करेगा आज तक। आगे और ये डाटा बढ़ेगी, अभी तो 12 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, जहाँ की आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, यहाँ फॉर्म भी जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा आने वाली है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म कितने आई है 10,77,122, जो कि यहाँ टोटल वैकेंसी था हमारा 13,153, पर सीट कंपटीशन 89 लोगों का। नेक्स्ट है हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता का, यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए 3,39,142, यहाँ टोटल वैकेंसी है हमारा 4,914, यहाँ पर सीट कंपटीशन है 69 लोगों का, ये भी हमारा नॉर्मल जोन में आता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न रेलवे, यानी कि मुंबई जोन वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए हैं 4,99,925, यहाँ टोटल वैकेंसी था है मतलब हमारा 10,734, यहाँ पर सीट कंपटीशन है 46 लोगों का, यानी एक सीट पे 46 लोग फाइट करेंगे। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी तक सबसे कम कंपटीशन हमारा है तो वो जोन है हमारा वेस्टर्न रेलवे मुंबई, यहाँ सबसे कम कंपटीशन है 46 लोगों का, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से ही फॉर्म भरें, यहाँ कम कट ऑफ जाएगा। अगर आप जिस दिन भी फॉर्म भरते हैं तो मैं बता दूं कि एक अगर आपके पास फेक नंबर आईडी होगा उसको
उस नंबर से पहले आप रजिस्टर कर लें, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर देख लें, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन निकाल लें, उसके बाद फॉर्म भरें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर लें, और आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ताकि मैं वीडियो में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। आप सजेस्ट कीजिएगा, उस टाइप से मैं वीडियो बनाऊंगा आप सबको लिए। और वीडियो में क्या अच्छा लगा वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और क्या बुरा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताएं, ताकि मैं उस चीज़ में सुधार कर पाऊँ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाते रहे। हाँ, मैं बता दूं कि हर दिन आप सबके लिए मैं एक वीडियो लेके आता ही हूँ कि कितने फॉर्म किस जोन पे भरे गए, और भी जितने भी रेलवे की नोटिफिकेशन आती है, रिक्रूटमेंट आती है, जो भी वैकेंसी आती है, मैं उसका वीडियो लेके आता हूँ जैसे ही उसका नोटिफिकेशन रेलवे के साइट पे आती है। तो थैंक यू गाइस।